गुड मॉर्निंग गाइज एंड नमस्ते जी, वेलकम बैक टू हम परिंदे। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम निकल चुके हैं ऊटी से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में हम साइट सीइंग नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे जहां पे हम देखने वाले हैं आज आदियोगी स्टैचू और वहां पे सद्गुरु का आश्रम भी है। हमने सोचा इस ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे हमने बहुत कुछ देखा है, तो इस बार ही कुछ डिफरेंट किया जाए, आपको भी थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस करवाते हैं और अपने लिए भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। तो चलो आपको रास्ते के नज़ारे दिखाते हैं और लेके चलते हैं आदियोगी स्टैचू। जब आप ऊटी से कोयम्बटूर जाते हो तो रास्ते में एक बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन आता है जिसका नाम है कुनूर। आप चाहो तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो या आप यहाँ पे वन डे ट्रिप भी लगा सकते हो। ऊटी से कुनूर आने के लिए यहाँ पे एक टॉय ट्रेन चलती है जिसके टाइमिंग आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बड़े बड़े टी प्लांटेशन है और टी एस्टेट्स है वो बहुत ही ज्यादा देखने लायक है। वैसे तो हमने सोचा था कि हम ऊटी से सीधा मुनार की तरफ निकल जाएंगे और केरला में एंटर कर जाएंगे, बट फिर हमने सोचा कि रास्ते में सद्गुरु का आश्रम भी आता है तो व्हाई नॉट विजिट दैट, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार तो मिलती नहीं है और फिर स्पेशली इतनी दूर आना तो बहुत ही मुश्किल है। वैसे हमने ये भी सोचा था कि वहाँ पे 2 nights का स्टे भी करेंगे, बट उसकी बुकिंग्स 2 weeks पहले आपको करनी पड़ती हैं और क्योंकि टाइम की कमी है तो हम सोच रहे हैं वहाँ विजिट करेंगे, स्टैचू देखेंगे और जितना भी हो सकेगा आपको दिखाएंगे और फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे। अभी हमने जस्ट कुनूर क्रॉस ही किया है लेकिन रास्ते में जो बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल्स दिखे हैं ना, अल्टीमेट है। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं इस हाईवे पे क्या है देखने के लिए। और जी यहाँ पे टोटल 14 हेयरपिन बैंड्स है लेकिन जब हम लोग ऊटी आए थे तो हमने कवर किए थे 36 हेयरपिन बैंड्स। बहुत ही ज्यादा हेयरपिन बैंड्स है यहाँ तो। अगर आप कोयम्बटूर से आ रहे हो तो आपको रोड बहुत अच्छी मिल जाएगी, प्रॉपर नेशनल हाईवे टाइप वाली रोड है। और अगर ऊटी वाली साइड से आ रहे हो तो आपको ना गूगल इंटरनल रोड से लेके आता है, लेकिन रोड सारी अच्छी थी, ऐसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी रोड। थोड़ा बिजी एरिया था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, रोड अच्छी थी। अगर हम कोयम्बटूर वाली साइड से आते तो हमारे को 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ही लगने वाले थे, गूगल बता रहा था कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा अगर उस रोड से आते, तो हमने डिसाइड किया कि जो सबसे फास्टेस्ट ऑप्शन है वो ही लेते हैं। और 10 o'clock हो चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10:20-10:25 तक हम पहुँच जाएंगे और मुझे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो जी हम पहुंच चुके हैं ईशा योगा सेंटर के पास और अब थोड़ा सा जंगल के बीच में से यहाँ पे एक रोड जाती है आगे को स्टैचू की तरफ। अभी सबसे पहले यहाँ पे ध्यान लिंक करके आया था और वहाँ पे मैंने किसी से बात करी थी, वो कह रहे थे सीधा आगे चले जाओ और एक लेफ्ट लेना है और फिर से लेफ्ट लेना है तो आप स्टैचू के पास पहुँच जाओगे। वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हो या जो भी, आई डोंट नो कि रजिस्ट्रेशन आई थिंक प्रोग्राम्स के लिए है जहाँ तक मेरा ख्याल है। और अगर आपको प्रोग्राम्स नहीं करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टैचू की तरफ जा सकते हो और आप वहाँ पे अपना टोकन ले सकते हो और वहाँ से फिर वापस आके आप ध्यान लिंग जो यहाँ पे पीछे है वहाँ पे पार्किंग करके आप अपना वहाँ पे भी घूम सकते हो। ध्यान लिंग तक जब आप आ रहे हो तो आपको रोड अच्छी मिलेगी, उसके बाद जंगल के बीच में जो एरिया ही है ये वाला फॉरेस्ट एरिया के बीच में ना आपको रोड थोड़ी सी ख़राब है। अगर आप बस से आना चाहो तो यहाँ पे पब्लिक बस भी आती है। फिलहाल रोड थोड़ी खराब है, मैं आगे जाके आपसे बात करता हूँ। और जब आप स्टैचू के पास पहुंचते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी पार्किंग मिल जाएगी, पार्किंग का बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा आपको और 30 rupees पार्किंग चार्जेस हैं
तो विच इज़ वेरी वेरी नॉमिनल. आज इतना रश तो नहीं है, वैसे नॉर्मली यहाँ पे बहुत रश होता है. तो चलो चलते हैं, मुझे स्टैचू सामने से दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है. आगे जाके आपको स्टैचू दिखाता हूँ. स्टैचू को देख के मैं बस, शब्द ही नहीं है मेरे पास कोई कि मैं कुछ बोल सकूँ. मेरा बस चले, मैं बस स्टैचू ही देखती रहूँ. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आप इसको यहाँ पर आके विजिट करो, तभी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे. कैमरा पता नहीं इतना जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. मैं इतना ही बोलूँगी कि यार इस जगह पे ज़रूर आना. और अगर आप कोयम्बटूर वाली साइड आ रहे हो और अगर आप ऊटी भी आ रहे हो, मैं तो कहूँगा यहाँ पे ज़रूर आओ. बहुत ही बढ़िया जगह है और कोयम्बटूर के तो बहुत ही पास है. आई थिंक यहाँ से 15-20 किलोमीटर्स ही होगा और 45 मिनट्स लगते हैं. बहुत ही बढ़िया स्टैचू है और बहुत बड़ा रुद्राक्ष की इन्होंने माला डाली हुई है यहाँ पे. आई थिंक बहुत सारे रुद्राक्ष को इकट्ठा करके इन्होंने माला बनाई है. बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. मैं आपको दिखाता हूँ स्टैचू का व्यू. स्टैचू तक जाने के लिए आपको यहाँ पे नीचे शूज उतारने पड़ते हैं, उसके बाद आप स्टैचू की तरफ जाते हो. और जी जो आदि योगी स्टैचू है, ये शिवा का स्टैचू है. इट इज 147 फीट टॉल एंड 82 फीट वाइड. इट हैज बीन डिजाइन बाय सदगुरु हिमसेल्फ, जिन्हें हम जगी वासुदेव जी के नाम से भी जानते हैं. और यहाँ से वेलंगेरी हिल्स का व्यू तो बहुत ही अमेजिंग है. क्लाउड्स नीचे आ चुके हैं और मैं देख रहा हूँ सारी साइज यहाँ पे हिल्स ही हिल्स हैं. जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तो आपको छोटे छोटे विलेजेस भी मिलते हैं और बहुत सारी कैटल्स भी यहाँ पे ग्रेज कर रही हैं. बहुत ही अच्छा लग रहा है. और इस स्टैचू पे रुद्राक्ष से बनी हुई एक माला है, बहुत ही बड़ी, बहुत अच्छे लग रहे हैं. और हवा इतनी चल रही है यहाँ पे कि जो कानों के कुंडल है ना इस स्टैचू के, वो भी हिल रहे हैं. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा वेदर है. और अब थोड़ा सा यहाँ पे फोटोग्राफ्स खींचते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं. और जी आदि योगी का मतलब होता है पहला योगी, और शिव जी जी थे जो पहले योगी थे, इसलिए उनका ही स्टैचू यहाँ पे बनाया गया और लोगों को इंस्पायर करने के लिए, जिससे कि वो इनर वेलबींग का अपना ख्याल रख सके योगा के थ्रू. और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है. और मैं देख रहा था यहाँ पे गोल्फ कार्ट्स भी हैं और पुलो कार्ट्स हैं, जिसको आप लेके यहाँ से जा सकते हो आगे की तरफ. जो इनका मेन एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे योगा के प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं. सो अगर आप चाहो तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो. वहाँ कैमरास तो अलाउड नहीं है, इवन मोबाइल फ़ोन्स भी अलाउड नहीं है. हम वहाँ तो नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर वहाँ गए तो 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे, क्योंकि जगह तो बहुत ही बढ़िया है. अब थोड़ा सा टाइम और यहाँ पे स्पेंड करेंगे और उसके बाद देखते हैं अगर कोयम्बटूर में स्टे करना है या फिर मुनार की तरफ निकलना है. और जी स्टैचू देखकर आ गया, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है. घर वालों को भी हमने लाइव दर्शन करवा दिए, वो भी बहुत खुश थे. अब हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं और आगे की प्लानिंग के अंकित. तो जी चलते हैं यहाँ से मुनार की तरफ. 5 आवर्स लगने वाले हैं, 180 किलोमीटर एज पर गूगल. रास्ते में करेंगे कहीं पे बढ़िया सा लंच और आपसे करेंगे ढेर सारी बातें. तो चलो चलते हैं. तो जी आज ऊटी से निकलकर हमने कवर किए कुनूर, और उसके बाद हमने इतने सारे हेयरपिन बेंड्स क्रॉस किए, इतने सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स देखे, और ट्रैफिक से निकलने के बाद हम पहुंचे आदि योगी स्टैचू. और जब हम यहाँ पे पहुंचे तो मन को इतनी ज्यादा शांति मिली ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती. बहुत ही ज्यादा सुंदर बना हुआ है. वैसे हमने केरला का काफी बड़ी प्लान बनाया लेकिन कभी भी नहीं गए. और लास्ट टाइम जब बनाया था तो उस टाइम कोविड हो गया, तो सब कुछ बंद हो गया था, तो फिर जा ही नहीं पाए. लेकिन ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे आओ और केरला ना जाओ ऐसा हो ही नहीं सकता. अरे गॉड जोन कंट्री है, वहाँ तो जाना बनता ही है. तो चलो चलते हैं. अनदर 3 hours 45 minutes एंड 6 o'clock या 6:15 तक मैक्सिमम पहुँच ही जाएंगे. अभी यहाँ पे पीछे एक चेक पोस्ट आया था और पता नहीं कौन सा एरिया है कि बिकॉज तमिल में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी विंडमिल्स हैं बोथ साइड्स ऑफ द रोड पे.
और बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा है। पहले मैंने विंडमिल्स काफ़ी बारी देखी हैं, लेकिन इतने पास से विंडमिल्स, वो भी इतनी सारी दूर तक विंडमिल्स ही विंडमिल्स हैं। पहलवान देखो, वो देखो कितनी दूर तक विंडमिल्स हैं यार, और आगे भी देखो कितनी सारी हैं, बहुत सारी विंडमिल्स हैं जी, और क्लासी है, बस यही कह सकता मैं। एंटर करें हैं अनामलाई टाइगर रिजर्व। बेसिकली यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपका गाड़ी का नंबर लिखवाते हैं, ड्राइवर कौन है, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो अभी हमने 50 रुपीज़ की टिकट करवाई है और एंटर कर चुके हैं अनामलाई टाइगर रिजर्व। सिंगल रोड है लेकिन वेल पेव्ड है, जैसे हम बंदीपुर टाइगर रिजर्व से आए थे वैसे ही यहाँ पे सिंगल रोड है, लेकिन फिर से एक और नेशनल पार्क आ गया। आज तो लॉटरी लग गई हमारी। देखते हैं अगर एनिमल्स दिखते हैं तो आपको एनिमल्स दिखाते हैं। और यहाँ से मुनार है अप्रॉक्सीमेटली 68 किलोमीटर्स, और हमारे को लगने वाले हैं 2 hours and 10 minutes एज पर गूगल। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया नज़ारे। वेलकम टू केरला। तो जी तमिलनाडु को क्रॉस कर चुके हैं और अब एंटर कर चुके हैं हम केरला अनामलाई टाइगर रिजर्व। जब आप क्रॉस करते हो तो आपको चेक पोस्ट पे फिर से एक बारी एंट्री करानी होती है। सो बेसिकली आई थिंक वो एंट्रीज मैच करते होंगे और उसके बाद आप एंटर करते हो केरला। केरला के यहाँ पे चेक पॉइंट पे कभी कभी आपकी गाड़ी भी रोके वो चेक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे तो दे वर वेरी वेरी फ्रेंडली एंड वो पूछ रहे थे आप कहाँ से आए हो, तो हमने कहा हम ऑल इंडिया रोड ट्रिप कर रहे हैं, और अगर ऑल इंडिया रोड ट्रिप करो और केरला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वाकई में दिस प्लेस इज रियली रियली ब्यूटीफुल। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ केरला बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि नेशनल पार्क है तो सुंदर तो होना ही था। और इस नेशनल पार्क का नाम है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अनामलाई टाइगर रिजर्व से हम एंटर कर चुके हैं अब चिन्नार एरिया। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पे भी आई थिंक काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ था कि ड्राइव केयरफुली बिकॉज एनिमल्स रोड पे आ जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे एनिमल्स आए सड़क पे, क्योंकि अनामलाई टाइगर रिजर्व में तो एक भी एनिमल नहीं मिला। आई थिंक एक पीकॉक देखा था हमने, एक मंकी देखा था और एक डॉग देखा था बस। तो अब यहाँ पे कुछ मिल जाए देखने के लिए तो मजा आ जाएगा। और केरला में एंटर करने के बाद आपको एक चेक पोस्ट क्लियर करना पड़ता है, और साथ ही में एक और चेक पोस्ट है, आई थिंक वो फॉरेस्ट का चेक पोस्ट है। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट है। वहाँ पे भी वो कार का नंबर, ओनर, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, वही जैसे अनामलाई टाइगर रिजर्व में पहले हुआ था। तो सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी सी होती है, वो बस लिखवाते हैं। यहाँ पे तो एंट्री के कोई चार्जेस नहीं थे। अनामलाई टाइगर रिजर्व में दे चार्ज 50 rupees फॉर बोथ ऑफ अस। आई थिंक वो गाड़ी का चार्ज था या 25 rupees पर पर्सन था, बट यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं थे। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं लेफ्ट साइड पे पहाड़ियों के नजारे। मतलब माशाल्लाह लेफ्ट साइड पे नजारा ही है, आपके भी लेफ्ट पे नजारा है। सही पकड़े हैं, क्या बात है, क्या बात है, सीख रहे हो तुम। देखो इस ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे ना मेरे साथ रह के तुमने बहुत कुछ सीखा। देखो इंटेलिजेंट लोगों के साथ तो प्रॉपर जो तुम रहे हो ना इस बार ही रहे हो तुम। कितनी फालतू भाईयात किस्म की बात कर रही है ना, मुझे तो बस मन कर रहा है कि मैं यहीं से ना बस कूद जाऊं। लग रहा है कि ये मेरे साथ सीख रहे हैं, हिंदी मैं इनको सिखा रही हूं। हां फिर मुझे बोल रहे हैं यार तुम ऐसी बातें ना करो, नींद आ रही मुझे। सीधा बोलो, खुद की बकवास से बोर हो गया। अच्छा मतलब इतनी इज्जत किसी को ना बख्शे किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसी बीवी। आप खुश नसीब हो, पता नहीं कौन से आपने मोती दान किए होंगे पिछले जन्म में, जो मैं जैसी आपको सुंदर सी बीवी मिली हूँ। मोती में ना वो रह गए होंगे, दरारे रह गई होंगी, तो जिसको दिए होंगे ना उसने शाप दिया होगा आगे जन्म में ये मिलेगी तुम्हें। मतलब मैं शाप हूँ? मतलब तुम शराब नहीं हो, तुम तो मेरी बीवी हो, शराब तो तब मिला था। वो तो हम भी जानते हैं किसको क्या शराब मिला था, किसको मोती दान करके कौन मिला था। मोर वाओ, मैं आपको पीको भी दिखाती हूँ। और फाइनली हमें यहाँ पे पीको का एक जोड़ा दिखा, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। एक रोड के इस साइड बैठा था और एक रोड के उस साइड बैठा था, और एक तो आई थिंक चलकर ही आ रहा था ना सेकंड वाला। जी हमारे को यहाँ पे एक वाटरफॉल दिखी थी लेफ्ट साइड पे, तो हमने सोचा क्यों ना गाड़ी रोक के आपको वाटरफॉल के नज़ारे दिखाए जाएं। बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन बहुत ही क्लियर व्यू है वाटरफॉल का, बहुत ही सुंदर लग रही है।
और जी ये था ऊटी से मुन्नार तक का हमारा ये सफर। आप चाहो तो ये हाफ डे में भी कवर कर सकते हो, लेकिन हमने रास्ते में कवर किया आदियोगी स्टैचू एंड लुकिंग बैक वी थिंक इट वाज एब्सोल्युटली द राइट डिसीजन। शाम को होटल पहुंचकर हमने किया लोकल मार्केट को एक्सप्लोर एंड फिर इट वाज टाइम टू टेक सम मच नीडेड रेस्ट एज टुमारो वी वर गोइंग टू हेड आउट फॉर मुन्नार साइट सीइंग। लेकिन वो सब देखने को मिलेगा आपको अगले एपिसोड में। एंड हाँ, हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं मुन्नार के डिटेल साइट सीइंग ब्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वॉन्डरिंग।